हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा के गार्डन डायरी में। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी गार्डनिंग के बारे में नहीं है, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं आपको घुमाने ले चल रही हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ आई हूँ पटना कोलकाता के साइंस सिटी का भ्रमण करने, और सोचा कि आप सबको भी थोड़ा सा अपने साथ घुमा लूँ। मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आया और बहुत सुंदर, यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छा था। और देखिए इस टैप को कैसे इसमें से पानी गिर रहा है, जिसमें कोई कनेक्शन अलग से नहीं है, तो है ना ये साइंस। अरे दोस्तों, साइंस वाइंस कुछ नहीं है, उसमें पाइप लगा हुआ है। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि भाई टिकट ले लेते हैं, वरना बिना टिकट का तो ये हमें कहीं घुसने नहीं देंगे और कुछ भी हम घूम नहीं पाएंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको ये टैप दिखा देती हूँ, जो कि देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें पाइप लगा हुआ है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो खैर कह सकते हैं कि ये साइंस है। देखिए ये कितना सुंदर, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पानी से जो ये जो आप सामने स्टैचू देख रहे हैं, सॉरी ये जो भी इसे कह लीजिए, आप ये जो देख रहे हैं ये पानी से घूम रहा है। इसमें टरबाइन लगा हुआ है और ये पानी से ही ये चल रहा है, तो काफ़ी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। ये ओरिजिनल साइंस है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। इसको ऐसे क्रिएट किया गया है कि ये एक जगह से पानी गिर रहा है और उसी के हेल्प से ये तीन चार इसमें गोल गोल लगे हुए हैं, अलग अलग शेप लगे हुए हैं, जो कि घूम रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी यूनिक लगा। तो यहाँ से देखने के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ गए, और चलिए मैं आपको साइंस सिटी के छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ है उसका मेन गेट, और ये वीडियो दो पार्ट या तीन पार्ट में होने वाला है, तो आप लोग अलग अलग पार्ट में इसे देख सकते हैं। और देखिए ये मेन गेट से एंट्री लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे कोलियस की बहुत सारी वैरायटी मुझे मिल गई। मन तो कर रहा था कि कटर लेके आना चाहिए था, दो तीन काट के ले चलती, लेकिन फिर पता चलता कि वहीं पे मैं पिट जाती। खैर हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो टिकट काउंटर पे पहुँचने के बाद अब बारी थी टिकट लेने की। अब घूमना है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, तो चलिए टिकट ले लेते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि साइंस सिटी में आगे और क्या क्या है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ से, और अच्छा था। खैर अपना कौन सा है जो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, छोड़िए। चलिए टिकट हमने ले लिया है और अब आ गए हैं इसके अंदर। तो जहाँ सामने घुसने के साथ ही एंट्रेंस पे ये ऐसे साइंस सिटी लिखा हुआ था, और फिर सामने आपको दिखेगा वही पानी से चलने वाला डिफरेंट शेप। इसमें पूरा सर्कल ही है, लेकिन ये सामने से देखने पे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उसी के साथ साइंस सिटी के सामने आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉट में डिफरेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं। वैसे कोलियस ज़्यादा है, और दो तीन कलर को मिक्स करके लगाने के कारण ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और देखिए ये आप एक पेंटिंग देख सकते हैं, और ये ट्री देखने के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से आप हेज देख सकते हैं बनाया हुआ है। और फिर देखते देखते हम लोग आगे बढ़ने लगे, मैंने सोचा चलो इसे टच कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और बहुत सुंदर तरीके से घूमने का मौका मिला। रोपवे था, जो इतनी तेज़ धूप थी कि बस वो रोपवे ही था, उसमें घूमने वाले नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और घर से निकलने टाइम तो अच्छा मौसम था, लेकिन फिर वह पहुँचते पहुँचते बहुत तेज़ धूप हो गई थी। और फिर हम लोग चल दिए, यहाँ कुछ शो चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ नाम लगाए हुए हैं, तो इन सब के टिकट्स अलग अलग थे, सबका प्राइस भी अलग अलग था। तो टिकट्स लेने के बाद बारी आई कि चलिए अंदर कुछ देखा जाए। तो यहाँ ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं इसे, रॉकेट, हाँ ये रॉकेट लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल वो साइंस वाली ही फीलिंग दे रहा है। और आप मोसल सिम्यूलेटर आप देख सकते हैं। तो यहाँ बारी थी घूमने की, और ये एक्चुअली टाइम मशीन ही है, जो कि हमें ले चलेगा
कहीं ना कहीं घुमाने तो ले ही जाएगा, तो चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको कि ये घुमाने कहाँ ले गया है। और यहाँ टिकट लगता है, टिकट लेने के बाद हम लोग इसमें एंट्री कर चुके हैं। और फिर देखिए ये कुछ इस तरीके से बाहर से एक बड़ा सा जैसे ट्रक का वो जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, वैसा ही कुछ ये बड़ा सा डब्बा सा दिख रहा था, गोल सा, और उसमें अंदर जाना था, जो कि यहाँ अंकल चश्मा दे रहे हैं। और ये 5D है सर, तो उसका स्पेक्स हमने ले लिया है और लेकर के एंट्री ले ली है। और फिर ये हमें ले चलेगा कहीं घुमाने, तो ये कहाँ ले जाने वाला है अब बारी है इसे देखने की। तो चलिए शो शुरू हो गया है, कुछ देर आप लोग शो को एंजॉय कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या किया। और ये हमें ले जा रहा है चाइना की दीवार पे। तो घर बैठे बैठे चाइना की सैर कीजिए और वॉल ऑफ चाइना एंजॉय कीजिए, और मैं आपसे फिर बात करती हूँ। तो कैसी लगी आप सबको चाइना की दीवार, मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ये कुछ डिस्प्ले बने हुए थे, फिर हम लोग निकल गए अपने अपने अगली मंजिल की ओर। तो
वो देखना है कि वो आगे क्या होता है। लेकिन सच में बहुत मज़ा आया था। वो एक वो शब्द बोलते हैं ना, पैसा वसूल, तो हाँ बिल्कुल ये वैसा ही था, बिल्कुल पैसा वसूल था। इतने सुंदर सुंदर चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली। ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे। ये जो सामने आप सेल्फी देख रहे हैं ना, ये हमारी ही सेल्फी है, फ़ोन में ले रही हूँ लेकिन वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो बहुत अच्छी अच्छी ऐसी ही कुछ चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिली। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। और ये सेल्फी पॉइंट के पास थोड़ी सी पोज देने के बाद, थोड़ी सी सेल्फी लेने के बाद, और भी जो बाकी डिस्प्ले बने हुए थे वहाँ हमने देख लिया है। और साथ ही में ये कुछ अनोखा दिखा, ये जो एक बोर्ड है ना, ये पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये जो सर्कल आप देख रहे हैं उस पर टच करने के बाद कुछ पिक्चर शो हो रहे हैं और उसमें उसका हिस्ट्री दिया हुआ है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टच डिस्प्ले टाइप का कुछ है और देखिए हर अलग अलग चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और बस एक सर्कल है, उसे टच करना है और उसकी हिस्ट्री यहाँ कुछ मिल जा रही है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो ये टच करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो थोड़ी देर हम लोग इसके साथ खेलते रहें। अब खेलना ही तो कहेंगे इसे, हालांकि काफ़ी अच्छी इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी तो वो अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा कुछ जानने को भी मिला और अलग अलग सर्कल पे अलग अलग फ़ोटो बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ों की हिस्ट्री बनी हुई है। और यहाँ जो ये साइंस सिटी था ना, उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए थे। तो काफ़ी नॉलेजेबल भी था ये, काफ़ी नॉलेज भी बना। और देखिए एक बार फिर से हम लोग चल दिए हैं अपने आगे की मंजिल की ओर। तो यहाँ कुछ टिकट को चेक कराने के बाद ये मिला हमें कुछ इस तरीके का गोगल्स, और फिर यहाँ पर शुरू होने वाला है एक और शो। तो अगर आप कभी यहाँ जाने का प्लान करें ना, तो ये बहुत अच्छी जगह है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, बहुत कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बहुत शांत एरिया है। और फिर यहाँ पे हमारे सौर मंडल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। सौर मंडल कैसे बना, इसमें कौन कौन से ग्रह हैं और कौन सा सैटेलाइट था जो हमें सबसे पहले यहाँ ले गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में जाना। फिर अगला आता है, अगला हमने जाना कि इंसान जो हमारी जो उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हमारा विकास कैसे हुआ, चार पैरों वाले बंदर से कैसे हम दो पैरों पे आ गए, तो मतलब ह्यूमन लाइफ के बारे में यहाँ थर्ड जो शो था यहाँ हमने जाना। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग मना थी और इतना ये पूरा सर्कल शेप में था, बहुत बड़ा था, तो उसका रिकॉर्ड करना पॉसिबल भी नहीं था। खैर कुछ चीज़ों को एंजॉय भी करना चाहिए, हमेशा रिकॉर्डिंग के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, पर अच्छा लगा। ये भी काफ़ी नॉलेजेबल था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये भी। और यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए जैसे ये डिस्प्ले दिख गया, तो आप देख सकते हैं कि बंदर है, 60 लाख साल पहले इंसान कैसा था, उसके फिर कैसे उसके रहन सहन में बदलाव आया, कैसे उसने चलना सीखा, खाना बनाना सीखा, शिकार करना सीखा, इन सब के बारे में बताया गया था। तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा सच बताऊँ तो, क्योंकि और किताबें पढ़ने के बाद ना कुछ दिनों बाद इंसान भूल जाता है, लेकिन ये हमें याद दिला दिया कि हमने जो किताबें पढ़ी थी वो कुछ इस तरीके से ही याद की जा सकती हैं, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें हो सकता है ज़्यादा दिन तक ना टिके, लेकिन आँखों के सामने जो देखा जाता है ना, वो हमारे मानस पटल पे बहुत ही अच्छी छवि छोड़ जाता है, बहुत अच्छे दिन, बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो जो किताबें हमने बचपन में पढ़ी थी, जो सीख हमारे विद्यालय में हमें दिया गया था, उसे कुछ रिवाइज़ करने का ये एक कह सकते हैं कि ज़रिया था, और काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ से देखने के बाद फिर अगला पड़ाव था हमारा, ये चौथा है और ये अगला पड़ाव था हमारा, इसमें डायनासोर के बारे में जाना गया कि धरती पर डायनासोर कब आए थे और कैसे कैसे हमारे क्लाइमेट में बदलाव आया, कैसे कैसे अलग अलग जानवरों की उत्पत्ति हुई, कैसे इनका विकास हुआ और कैसे फिर डायनासोर इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए। तो कम्प्लीटली ये कहा जा सकता है, स्तनधारी कैसे आए, बड़े जीव कैसे आए, छोटे जीवों का विकास कैसे हुआ,
इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ जानने को मिला। तो ये भी एक ट्रॉली ट्रेन टाइप की थी जहाँ बैठा करके हमें ले गया गया, और अंदर ये पूरा डार्क रूम की तरह था जहाँ अलग अलग ऐसे कुछ आपको स्टैचू मिलेंगे और लाइट और साउंड के साथ इसको बहुत ही रोमांचक तरीके से बनाया गया था। तो ओवरऑल मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये हमारी जो ये जो विज़िट रहा हमारा, ये काफ़ी अच्छा रहा, हमने बहुत इंजॉय किया। और कान्हा तो आप सबको पता ही है, कान्हा ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो फिर तो यहाँ तो मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आपको सब दिखाया है, जो कि बहुत छोटा सा एक समरी कह सकते हैं, लेकिन इन सब का डिटेल्स जो है वो अलग अलग वीडियो में मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर विज़िट करना होगा। लास्ट बट द नॉट लिस्ट, एक और चीज़ हमने यहाँ देखा जो कि काफ़ी अच्छा लगा, तो चलिए अब मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपको उसके बारे में भी पता चले और आप उसे भी इंजॉय कर सकें। देखिए कुछ इस तरीके की ट्रॉली ट्रेन थी हमारी, और एक साइड से एंट्री, दूसरे साइड से एग्ज़िट, और इसी बीच में ये डार्क रूम में हमने बहुत कुछ देख लिया। 21st सेंचुरी में हमने डायनासोर देख लिया कह सकते हैं। चलिए मैं आपको अगला भी एक दिखा देती हूँ। तो दोस्तों अगला जो था वो कुछ इस तरीके का ग्लोब था, जो कि देख सकते हैं कितना सुंदर पिक्चर इस पे बना हुआ है। और ये है हमारी पृथ्वी के बारे में, कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितना पार्ट पानी है। तो जैसे इसका नाम है ना साइंस सिटी, ये कम्प्लीटली साइंस वाली चीज़ों से भरा हुआ था, ऑब्वियसली इसीलिए इसका नाम साइंस सिटी पड़ा। आप देख सकते हैं ये ग्लोब कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। और साथ ही साथ हमें ये भी जानने को मिला कि आज से कुछ सालों के बाद, कुछ दशक के बाद हमारी पृथ्वी का क्या होगा, सूर्य के साथ इसका रिलेशन कैसा रह जाएगा। तो ये सब कुछ जानने में भाई बहुत मज़ा आया। और अगर आप कभी भी कोलकाता आए तो यहाँ पर आकर के आपको ये जगह ज़रूर घूमना चाहिए। कोलकाता का साइंस सिटी काफ़ी फेमस जगह है और बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है, मुझे तो बहुत पसंद आया था जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो का एक अलग अलग क्लिप मैं डालूँगी जहाँ हर एक पार्ट को अलग अलग, जैसे रिकॉर्डिंग हुई है ना वैसे मैं अलग अलग वीडियो डाल दूँगी। तो अगर आपको डिटेल्स में देखना हो तो आप वहाँ से देखिएगा। ये एक छोटी सी समरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गार्डनिंग से रिलेटेड आपको यहाँ बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा मस्ती भी हम लोग यहाँ करते रहते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।